हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं मानता हूं हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्रों की जिज्ञासा में थोड़ी सी जो है शांति हुई होगी। आज हमने दिल्ली के चुने हुए विधायक, चार चुने हुए विधायक जनता के सामने पेश किए, उसके अंदर कुछ विधायक साथी तो तीन तीन बार चुने हुए विधायक हैं, जैसे संजीव झा और सोमनाथ भारती, तीसरी बार उनकी क्षेत्र ने जनता ने चुन के उनको भेजा है और उन्होंने आपके सामने खुलासा किया किस तरीके से 20-20 करोड़ रुपए देके 20-20 करोड़ रुपए के लालच देके हमारे विधायकों को खरीदकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत आश्वस्त हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और उनके आप लोकल नेताओं से भी बात करो तो उनके पास भी ये मैसेज है कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है। लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब कुछ दिनों की सरकार बची है, आपकी सरकार गिरने वाली है। और आप कोई भी साथी गूगल करके देखिए और उसमें लिखिए ऑपरेशन लोटस क्या है, व्हाट इज ऑपरेशन लोटस, तो आपको पता चल जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी की एक तय स्ट्रेटजी है जिसके तहत विपक्ष के विधायकों को, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनको डराकर, धमकाकर, खरीदकर, प्रलोभन देकर जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर जो चुने गए थे शिवसेना द्वारा, और जब आज वो महाराष्ट्र असेंबली में पहुंचे तो वहां पर नारे लग रहे थे 50 खोखा 50 खोखा, ये आज भारतीय जनता पार्टी की प्रजातंत्र को देन है। आजादी के 75 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कंट्रीब्यूशन है 50 खोखा। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा बंद करो देश से धोखा, नहीं चलेगा 20 खोखा। ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब है हमारे चुने हुए विधायकों का। और एक बहुत सीरियस क्वेश्चन मैं अपने पत्रकार मित्रों के सामने आज रखना चाहता हूं, और चाहता हूं कि देश बुद्धिजीवी, इस देश की चिंता करने वाले लोग इस बात को जरूर सोचें, इस पे विचार करें। 20 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर है। कहा जा रहा है 35 विधायक हमारे संपर्क में हैं, हम 35 विधायक खरीदेंगे। 20 करोड़ के हिसाब से 700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है कैश में, जब चाहे ले लो 700 करोड़ रुपया। साथियों सोचिए कितना होता होगा 700 करोड़ रुपया। मुझे नहीं लगता कि कोठी में भी आप 2-2 हजार रुपए के नोट भरोगे तो 700 करोड़ रुपए उसके अंदर आ पाएंगे, इतना होता है 700 करोड़ रुपया। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें, वहां पे जितने विधायक बीजेपी की तरफ गए हैं और जिस तरह से 50 खोखा की आवाज भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाई जा रही है, तो 1850 करोड़ रुपए बनते हैं महाराष्ट्र के, 1850 करोड़। कर्नाटका के अगर 17 विधायक जोड़ें तो आप सोचिए गिनती कहां तक जाएगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से देश जानना चाहता है, मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि उनके पास इतना सारा करोड़ों रुपया, हर राज्य में विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपया
ये काला धन कहां से आया, भारतीय जनता पार्टी ने कहां से कमाया और ये कहां रखते हैं, जो सीबीआई ईडी किसी को नहीं पता, कोई समझना ही नहीं चाहता। कांग्रेस के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए दिए, वो रस्ते में पकड़े गए, गाड़ी में करोड़ों रुपए के साथ पकड़े गए। अखबारों में टीवी में चर्चा चल रही थी कि झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस लॉन्च किया हुआ है। रंगे हाथों विधायकों के पास करोड़ों रुपया गाड़ी में भरा हुआ मिल गया। कोई ईडी सीबीआई जांच ही नहीं करना चाहती कि यह पैसा कहां से आया, क्योंकि उसकी जो ट्रेल होगी, जो मनी ट्रेल होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जाकर रुकेगी, ये सब जानते हैं। और आज मैं अपने भारतीय भाइयों के आगे इस सवाल को रखना चाहता हूं कि इस पर विचार करिएगा कि ये हजारों करोड़ कैश जो विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है, ये कौन सी ईमानदारी की चक्की से निकाला गया है, कहां पे इतना कैश रखा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में जहां ये कैश रखा जाता होगा या इनके गोदामों में जहां पे कैश रखा जाता होगा, वो सीबीआई और ईडी के रडार पे कब आएंगे। ये मेरे सवाल के साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करता हूं। 2014 में, और अगर मुझे डेट सही से याद है तो 8 सितंबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानता हूं क्योंकि मेरे पड़ोस में शाहपुरजट गांव से आते हैं, उनके बेटे परीक्षित डागर एबीवीपी के अंदर चुनाव गुनाव लड़ते रहे हैं, एबीवीपी के अंदर ऑफिस बेयरर रहे हैं। मेरी भी कभी शाहपुरजट में सभा होती है तो वो अक्सर उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है शैतानियां करते हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार को जानता हूं, शेर सिंह डागर साहब के। और मुझे मालूम था कि वो इस कारिस्तानी के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा गांव उनका गांव पड़ोस का गांव है, काफी लोगों की चर्चा होती रहती है। उन्होंने हमारे सिटिंग संगम विहार के विधायक को 4 करोड़ रुपए ऑफर दिए पार्टी बदलने के लिए, और ये स्टिंग हमारे विधायक ने करके टीवी पे सारी दुनिया को दिखाया है। मैं एक जानकारी और दे देता हूं, इसके अलावा भी कई स्टिंग उस समय हमने करने की कोशिश की, कुछ स्टिंग्स बहुत अच्छे नहीं हो पाए, मगर स्टिंग्स हमारे पास वो भी मौजूद थे। ऐसे भी हुआ कई जगह कि डील होते होते जो है भारतीय जनता पार्टी का जो नेता था वो थोड़ा सा चौकन्ना हो गया, और जब वीडियो की तक बात पहुंची तो शायद वो बच गया, बट उससे पहले के हमारे पास सारी बहुत सारी चीजें। तो हम वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के सामने एक्सपोज किया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपने उस नेता, अपने उस उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर को पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जेल में नहीं भेजा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं था, इसकी कैसे हिम्मत हो गई ये 4 करोड़ रुपए देके एक चुने हुए विधायक को खरीद रहा है, हम इसको जेल भेजेंगे। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई उसके अंदर, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास ही है 2014 से आज तक। मैं भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा को चुनौती देता हूं, आप बताइए आपने अपने उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर के ऊपर क्या कार्रवाई की, उनको अब तक जेल में क्यों नहीं डाला अगर वो आपके आदमी नहीं थे, वो उनके लोग थे। और मेरे को व्यक्तिगत जानकारी है इस चीज की कि वो इस तरीके का ऑफर कई लोगों को दे रहे थे और उनके साथी भी कई लोगों को ऑफर दे रहे थे, मगर समस्या क्या है मैं आपको बताऊं, कई बार सामाजिक लोग होते हैं, आपकी रिश्तेदारियां होती हैं, आपके पुराने पारिवारिक मित्र होते हैं, उनको आपके पास भेजा जाता है, वो आपको आपका दोस्त बन के आपको ऑफर देते हैं और आपका
हमदर्द बन के आपको थ्रेट देते हैं। इस तरीके का थ्रेट मैं आपको बताऊं कई अफसरों से भी मिल जाता है। कई अफसर आपके पास आके बैठते हैं कि सर आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्यों इतनी प्रेस वार्ता कर रहे हो, सर आपको भी लपेटने का चल रहा है, जल बोर्ड में बहुत ढूंढ चल रही है। ये तरीका होता है, मैसेज दिलाया केंद्र सरकार, मैसेज देती है, हमें भी मिलते हैं मैसेज कि जल बोर्ड के अंदर बहुत ढूंढ मची हुई है सर, आप क्यों इतनी प्रेस वार्ता करते हो। हमने कहा ढूंढो ना और ढूंढो, खूब जल बोर्ड में जो ढूंढना ढूंढो। तो ये सब जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको मालूम होता है, आप किसी भी राजनीतिक आदमी से बात करोगे तो वो बता देंगे कि हाँ इस तरीके से ही चलता है। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो सरकार टूटी, कर्नाटक में टूटी, गोवा में टूटी, मध्य प्रदेश में टूटी, आपको क्या लगता है कि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गाली दे दे के उसके उम्मीदवार को हरा के आया है और फिर उनका एकदम ही हृदय परिवर्तन हो गया, वो कह रहे कि नहीं मोदी जी सबसे अच्छे हैं अर्जुन, ये क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा। ये जरूर है कि आज हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है, हमने इसके ऊपर नैतिक सवाल उठाने बंद कर दिए, मगर ये बात अगर आप थोड़ा भी इसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैसे की ताकत है, पैसे की ताकत के अलावा कुछ नहीं है। पैसे की ताकत है, डंडे का रोग है, सिर्फ और कुछ नहीं। और कोई सवाल हो? मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की और हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई है। अभी तो गुजरात में लड़ाई है, फिर 2024 में लड़ाई है। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था, अर्जुन की पहली लड़ाई तो नहीं थी महाभारत के युद्ध में, अर्जुन की कई लड़ाइयां हुई, मगर जहां ब्रह्मास्त्र की जरूरत है वहीं ब्रह्मास्त्र चलाया। श्री राम ने भी वहीं चलाया जहां जरूरत थी। श्री राम की तो रावण से पहले कईयों से लड़ाई हुई, कई छोटे छोटे जो है वो क्या कहते थे उनको, राक्षस से छोटे वाले क्या होते थे, दानव, खर, दूषण, रावण का बेटा अहिरावण, कई सारे थे। सुरप्रखा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया भगवान राम ने। जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत होगी तो ब्रह्मास्त्र चलेगा जरूर, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लीगल अब देखिए पता क्या, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, आपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो इतने बदमाश हैं। हम कहते हैं कि तुमने चोरी की, अच्छा चोरी की तो आप कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हमारे खिलाफ, हमारे पास यही काम है कि तुम्हारे खिलाफ कोर्ट जाते रहे। भाई कोर्ट वोट में कहा होता है, जहां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है कोर्ट भी क्या करेगा, कोर्ट भी कहेगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कहेगा भाई आप जांच करो, इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही करेगी। कोर्ट में हम कितना भी चले जाएं कुल मिला के घूम फिर के इन्वेस्टिगेशन इसी पे आनी है, तो इसीलिए कोर्ट वोट में नहीं जाते। मैंने आपको उदाहरण दिया ना शेर सिंह डागर का, क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी कई तरीके के आरोप जो है आम आदमी पार्टी पे लगाती रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके पास डिपार्टमेंट नहीं है, ओवरऑल सुपरविजन का काम मुख्यमंत्री करते हैं। मैं नहीं जानता, राष्ट्रपति जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी कितनी फाइलों पे खुद साइन करते हैं। मुझे पूरा यकीन है अपनी व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारी फाइलों पे साइन नहीं करते होंगे, और उनके अफसर अगर लिखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी को ये बात दिखा दी गई है तो प्रोटोकॉल के तहत ये चीज मानी जाती होगी, मेरा पूरा यकीन है इस चीज का। और मुझे ये भी यकीन है कि इस तरह से कई मुख्यमंत्री कार्यालयों के अंदर ऐसा रहा होगा। एलजी साहब ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री जी और एलजी साहब इस पर चर्चा कर लेंगे, जो सलूशन होगा उसको निकाल लेंगे। इसमें कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि एक दूसरे को चिट्ठीबाजी की जाए, तो बताई जा सकती, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी। और कुछ हो तो बताइए। बिहार में तो रेट डलनी ही थी, बिहार में क्यों नहीं डलनी थी, जब जब वहां सरकार टूट गई तो बिहार में तो डलनी है, झारखंड में भी डलेगी। देखिए मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी है ही कमजोर, हम लोग बेचारे सताए हुए लोग हैं, और ये लोग हैं जिनके पास सारी ताकत है, सारी सत्ता है। रोना ही इस बात का, कमजोर के ऊपर अपनी ताकत अजमा रहे हैं, वहां चीन के ऊपर अजमाए,
भारतीय सेना तैयार है लड़ने के लिए, मोदी जी भारतीय सेना को जाने नहीं देते। हम कमजोर मिले हुए हैं, हमें पीट रहे हैं, सबसे छोटी पार्टी है हम, कह रहे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा ठीक है भैया मत छोड़ना हमें, ये इनकी आदत है। और कमजोर को जब जब दबाया जाता है तब तब भारत की जनता कमजोर के साथ खड़ी हो जाती है, और भगवान भी कमजोर के साथ ही खड़ा होगा। बट हम जो है कितने ही कमजोर हों, हम इनके आगे अपने घुटने नहीं टेकेंगे, हम लड़ेंगे, लड़के शहीद हो जाएंगे, इतिहास में नाम दर्ज करेंगे, मगर मोदी जी के आगे हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। असल में प्रवेश वर्मा जो है ना, मेरी पूरी सहानुभूति है उनसे, और मेरा ये मानना है कि प्रवेश वर्मा के जो पिताजी थे, हमारा गांव है चिराग दिल्ली, वहीं पे भगत सिंह कॉलेज है, उसमें लाइब्रेरियन थे, और बहुत सज्जन आदमी थे साहिब सिंह वर्मा। उन्होंने बहुत इज्जत कमाई, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में है, हम आम आदमी पार्टी में, मगर बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उनके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। और उस समय के जाटों के सबसे बड़े लीडर्स में थे, पहले सज्जन कुमार होते थे जाटों के नेता, बट जब साहिब सिंह वर्मा आए तो जाटों के सबसे बड़े नेता बने, और उन्होंने बहुत इज्जत कमाई। प्रवेश वर्मा उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इस तरीके का जो कर रहे हैं वो नहीं पहुंचेंगे। मेरी उनसे ये सलाह है, वो किसी और को ना फॉलो करें, वो अपने पिताजी को फॉलो करें, उनकी राजनीति को फॉलो करें, उनका कद राजनीति के अंदर बढ़ेगा, जो वो कर रहे हैं उससे नहीं बढ़ेगा। मेरी उनको सलाह है, क्योंकि मैं उनके पिताजी की बहुत इज्जत करता था, हमारे गाँव में आस पास में जाटों में बहुत इज्जत आज भी है उनकी, तो मेरी उनको ये सलाह है।